पीएम मोदी की चीन यात्रा का आज दूसरा दिन, राजधानी बीजिंग में रहेगा व्यस्त कार्यक्रम। बीजिंग में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत, चीन के प्रधानमंत्री के साथ होगी बात। प्रतिनिधिमंडल स्तर की होगी बातचीत, इसके बाद समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीन के प्रांतीय नेताओं के फोरम में होंगे पीएम, दोपहर में चीनी प्रधानमंत्री देंगे दिन का भोज। दोपहर बाद सिंघुआ यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेंगे पीएम, चीन के टेंपल ऑफ हेवन भी जाने का कार्यक्रम। बीजिंग में योगा ताइची का संयुक्त अभ्यास देखेंगे पीएम, इस मौके के लिए खास तैयारी। रवाना होने से पहले शियान एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों से गर्मजोशी से मिले मोदी, सम्मान के लिए सभी को बोला शुक्रिया। शियान के साउथ सिटी वॉल में मोदी का भव्य स्वागत, वहां मौजूद भीड़ का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। मोदी के सम्मान में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन, कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन कर जीता मोदी का दिल, देखकर स्वागत किया गया। मोदी ने ट्वीट कर कहा, इसे हमेशा याद रखूंगा। शियानसी गेस्ट हाउस में हुई पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत के लिए पहुंचे थे जिनपिंग। शी जिनपिंग और मोदी के बीच करीब 90 मिनट तक हुई बातचीत, कई मुद्दों पर हुई चर्चा, विदेश सचिव एस जयशंकर ने दी जानकारी। भारत चीन में आपसी सहयोग, सरहद विवाद पर हुई बात, निवेश और व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा, विदेश सचिव एस जयशंकर ने दी जानकारी। मोदी जिनपिंग में आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग पर भी चर्चा। वूज पैगोडा में भी पहुंचे मोदी, शी जिनपिंग भी थे साथ, विजिटर बुक में मोदी ने लिखे संदेश। पीएम मोदी ने पैगोडा में भेंट किया बोधि वृक्ष का पौधा, पुजारी को दी भेंट। 3 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचने पर मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर मासूम बच्चे ने फूल भेंट कर किया वेलकम। आनंदीबेन पटेल ने चीनी भाषा में छपाया अपना विजिटिंग कार्ड, मोदी के साथ चीन दौरे पर गई है गुजरात की सीएम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मोदी के साथ चीन पहुंचे, कई कंपनियों के अधिकारियों से महाराष्ट्र में निवेश को लेकर की बात। दौरे के पहले दिन चीन का डबल गेम, शियान में मोदी का शानदार स्वागत, लेकिन सरकारी टीवी ने दिखाया भारत का गलत नक्शा, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल गायब। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तेलंगाना पदयात्रा आज, आदिलाबाद में चलेंगे 12 किलोमीटर पैदल। पदयात्रा के लिए बीती रात आदिलाबाद के निर्मल पहुंचे राहुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। यात्रा के दौरान खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल। पदयात्रा में 25,000 किसान चलेंगे राहुल के साथ, निर्मल से हैदराबाद तक का है सफर। राहुल से पहले किसानों तक पहुंचा राहत का चेक, जिला मंत्री इंदिराकरण रेड्डी ने एक किसान परिवार को दिया 1,00,000 का चेक। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा करेंगे वाड्रा लैंड डील की जांच, हरियाणा सरकार ने जांच के लिए बनाई 1 सदस्यीय कमेटी। गुड़गांव जमीन केस की होगी जांच, कमर्शियल कॉलोनी और लाइसेंस से जुड़े मामलों की भी होगी जांच। इसकी पूरी सच्चाई सामने लाएंगे, सच्चाई पूरी तरह से उजागर की जाएगी, निष्पक्ष तौर पर की जाएगी, जज साहब इसकी पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। वाड्रा के खिलाफ जांच पर राजनाथ सिंह ने कहा, बदले की राजनीति के तहत नहीं हो रही है कार्रवाई। यहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है, हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते। एक साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने जारी किया प्लान, जन कल्याण पर्व मनाने का फैसला। पीएम मोदी और मंत्री देश भर में करेंगे 100 रैलियां, 26, 27, 29 मई को देश भर में होंगे कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली मथुरा में करेंगे रैली, सूत्रों के मुताबिक 25 मई की तारीख तय। विपक्ष ने मोदी सरकार की तैयारियों पर कसा तंज, काम के लिए नहीं सिर्फ रैली के लिए है सरकार। आपने कहा कि भाई रैली करेंगे उसमें सब बताएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री से पहले भी रैलियां करते थे, अभी रैलियां करते हैं, और एक इतना आया पहले सिर्फ देश में भी रैलियां करते थे, अब विदेश में भी रैलियां करते।
मीडिया पर नकेल कसने की सीएम केजरीवाल की कोशिश नाकाम, सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर लगाई रोक। अमित सिब्बल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को भेजा नोटिस, मानहानि केस में केजरीवाल के मीडिया की टिप्पणी को बचाव में इस्तेमाल करने को बताया था दोहरा मानदंड। आप नेता कुमार विश्वास के खिलाफ सफदरजंग थाने पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह, सोशल मीडिया में धमकियों और अश्लील कमेंट्स पर दर्ज कराया केस। अजय मकन और नॉर्थ दिल्ली के मेयर रविंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल नजीब जंग से की मुलाकात, फंड का उठाया मुद्दा। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदारों की टेंशन दूर, सुप्रीम कोर्ट ने किसान के खिलाफ सुनाया फैसला, कहा किसानों को वापस नहीं मिलेगी बेची गई जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा